वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं BFUHS का जो ANM का पेपर हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को, उसकी मेमोरी बेस्ड आंसर की। यहाँ पर मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं, 15 to 20 क्वेश्चन बस मिले हैं। बट जिन भी लोगों ने पेपर दिए हैं उनका कहना है कि टोटल 90 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, जिसमें से GK के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन बस आए थे। और जिनके पास भी रिमेनिंग क्वेश्चन हो वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन है जो सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन मुझे मिले हैं पंजाबी लैंग्वेज में भेजे गए थे और मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो इतने ही क्वेश्चन मुझे समझ में आए तो मैं वही आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। जिनका भी स्टाफ नर्स के लिए पेपर रहने वाला है 28 अक्टूबर को, आई थिंक फाइनल डेट है जो BFUHS के लिए, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो भी क्वेश्चन है मैंने इसलिए आपको प्रोवाइड कराए हैं कि ANM का जो पेपर है हो चुका है, बट स्टाफ नर्स और ANM में कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन हम कह सकते हैं कि होते हैं, बाकी जो स्टाफ नर्स का सिलेबस है वो ANM के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको पेपर भी उसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, रेड रिबन इज़ द सिंबल ऑफ, रेड रिबन आपने देखा होगा किस डिसीज़ का सिंबल है, कैंसर, एड्स, डेंगू या फिर मलेरिया। रेड रिबन सिंबल यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है एड्स अवेयरनेस के लिए। इस तरीके से ये जो सिंबल है किसके लिए है रेड रिबन, तो यह एड्स प्रोग्राम के लिए, एड्स अवेयरनेस, एड्स जागरूकता फैलाने के लिए जो रेड रिबन का सिंबल यूज़ किया जाता है वो क्या है, एड्स के लिए। नेक्स्ट आया था, DPT वैक्सीन इज़ गिवन बाय विच रूट, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस जो वैक्सीन है किस रूट के थ्रू दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। तो मैं आपको बता दूँ इंट्राडर्मल रूट से ओनली एक ही वैक्सीन दी जाती है, वो है BCG वैक्सीन, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और जो टिटनेस यहाँ पर DPT में वर्ड टी है, इससे आप याद रख सकते हैं कि जो DPT वैक्सीन है इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, इंट्रामस्कुलर। इन केस आपको एग्ज़ाम में आता है कि जो DPT वैक्सीन का रूट तो आपको पता है कि इंट्रामस्कुलर दी जाती है, बट यदि आपसे साइट पूछी जाए कहाँ दी जाती है, तो इन्फेंट्स और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें वास्टस लैटरलिस मसल्स में है जो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। और यदि एडल्ट्स में पूछा जाए, ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में पूछा जाए तो डेल्टॉइड मसल में दी जाती है। नेक्स्ट आया था, कॉपलिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज, ऑप्शन है मीजल्स, रेबीज, मलेरिया और डी, नन ऑफ द अबव। तो कॉपलिक स्पॉट किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं मीजल्स में देखने के लिए। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल वाइटिंग, सॉरी, इनमें से कौन सी डिसीज है जो किसी एनिमल के काटने के कारण होती है, ऑप्शन है रेबीज, प्लेग, डेंगू या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। तो रेबीज किसके कारण होती है, डॉग वाइट या फिर कैट वाइट के कारण हो सकती है, बाकी प्लेग है जो रेट के थ्रू जो एरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है उनके थ्रू ट्रांसमिट होगी, डायरेक्टली रेट के काटने से नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रेबीज। नेक्स्ट इज टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया को लेके एक टर्म बस बताया गया था मुझे, तो वो है फास्ट हार्ट बीट। टैकीकार्डिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि जो हार्ट रेट है ओवर द 100 बीट्स पर मिनट आपके लिए फील होगी, जो आपकी हार्ट रेट है कितनी होगी, 100 बीट से भी ज़्यादा, या फिर हम ये कह सकते हैं फास्ट हार्ट रेट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बेड्स आर प्रेजेंट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक CHC में कितने बेड हैं जो प्रेजेंट होंगे, 30, 90, 100 या फिर 50। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो बेड होते हैं वो होते हैं टोटल 30 बेड। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर वाई एस्प्रिन इज अवॉइडेड बिकॉज इट, तो डेंगू फीवर में एस्प्रिन कभी भी नहीं दी जाती है, और एक क्यों नहीं दी जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेंगू में क्या होता है, ऑलरेडी प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा लो होता है, और एस्प्रिन भी यही काम करता है, प्लेटलेट्स को और लो करेगा। यदि हम डेंगू फीवर में प्लेटलेट जो एस्प्रिन देंगे
तो ऑलरेडी डेंगू में क्या होगा, प्लेटलेट्स का काउंट कम होगा और एस्पिरिन देने से और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसीलिए डेंगू फीवर में एस्पिरिन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट आया था एडोलेसेंट पीरियड, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर विटामिन को नहीं दिया बताया गया है मुझे, तो मैंने क्वेश्चन को सेम छोड़ा हुआ है जैसा मुझे बताया गया था। नेक्स्ट है हाउ मच कैल्शियम नीडेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितने कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 1200 mg/day, 1200 mg/day। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1985 में। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स इज डिटेक्टेड इन इंडिया, इंडिया में पहला एड्स HIV का केस डिटेक्ट हुआ था चेन्नई के फीमेल सेक्स वर्कर में 1986 में। और यदि अभी रिसेंट की बात की जाए तो पूरे इंडिया में 5.134 मिलियन पीपल हैं जो इन्फेक्टेड हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है जहाँ पर HIV एड्स के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। फर्स्ट केस की बात की जाए तो 1981 में US में डिटेक्ट किया गया था, बट इंडिया में पूछा गया तो इंडिया में फर्स्ट केस चेन्नई के एक फीमेल सेक्स वर्कर में 1986 में डिटेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है प्लेग इज कॉज्ड बाय, तो जो प्लेग है किसके थ्रू होता है एरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के थ्रू। और यदि ये बैक्टीरिया की कैटेगरी पूछा जाए तो ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड कोकोबैसिलस बैक्टीरिया एरसीनिया पेस्टिस। और ये बैक्टीरिया जनरली किन में होता है, जो भी रोडेंट्स होते हैं रैट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मलेरिया विच स्पीसीज़ इज़ मोस्ट डेंजरस, तो मलेरिया की आपने जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ हैं, चार स्पीसीज़ पड़ी हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज़ कौन सी है, प्रजाति कौन सी है, फाल्सीपेरम मलेरिया ओवल या फिर वाइवेक्स। तो मोस्टली जो डेंजरस स्पीसीज़ है वो क्या है, फाल्सीपेरम। नेक्स्ट इज इन जॉइंटेस व्हाट इज़ द स्टूल कलर, तो क्ले कलर्ड स्टूल है जो जॉइंटेस की एक खासियत है। स्टूल की आपके लिए कई बार एग्जाम में आ चुका होगा ये क्वेश्चन कि क्ले कलर्ड स्टूल इज सीन इन विच डिसीज, तो जॉइंटेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत थ्री टायर सिस्टम, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं था इसीलिए मैंने जो तीनों लेवल पर जो स्ट्रक्चर होता है पंचायती राज का वो बताया हुआ है। जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, पंचायत समिति होती है जो होती है ब्लॉक लेवल के लिए, ग्राम पंचायत है विलेज लेवल के लिए। तो आपको जो पंचायत का थ्री टायर सिस्टम है याद रखना है कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट 1 PHC कवर्स हाउ मच पॉपुलेशन इन प्लान एरिया, तो आपने सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो कितनी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो जो एक PHC होता है प्लेन एरिया में कवर करता है 30,000 पॉपुलेशन, यदि हिली और ट्राइबल एरिया है तो 20,000 पॉपुलेशन। यदि आपसे CHC पूछा जाता है तो 80,000 है जो ट्राइबल एरिया में पहाड़ी इलाकों में और 1,20,000 प्लेन एरिया में। सब सेंटर पूछा जाता है तो 3,000 प्लेन जो हिली और ट्राइबल एरिया है और 5,000 है जो प्लेन एरिया के लिए पॉपुलेशन नॉर्म्स है। नेक्स्ट आया था क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट अमंग पेशेंट एंड स्टाफ विद इन अ क्लिनिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे, जिनके पास और क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके प्लीज़ हिंदी इंग्लिश में है जो टाइप करके बताना, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे लिए भी। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहे, आपके पास और भी जिनके पास भी क्वेश्चन हो तो वो लोग और भेज सकते हैं, ताकि जो स्टाफ नर्स का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट ANM वालों के लिए दिए जाते हैं नर्सिंग के, तो हो सकता है आपके लिए भी इनमें से एक या दो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो हेल्पफुल होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।